हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ नारियल की बर्फ़ी शेयर करूंगी। इस बार जन्माष्टमी पर आप कान्हा के भोग में नारियल की बर्फ़ी बनाइए, जो कि बहुत कम सामान से बनकर तैयार हो जाती है और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम एक भारी तले की कढ़ाई लेंगे। यहाँ पर हमने 3 कप नारियल का बुरादा लिया है। ये आपको मार्केट में बहुत ही ईजली मिल जाएगा। 1 मिनट के लिए बस नारियल के बुरादे को हम सेंक लेंगे। एक मिनट हो गया, इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम उसी पैन में 1 कप दूध लेंगे। ये उबला हुआ दूध है। इसमें हम 1.5 कप चीनी डालेंगे। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो 1 कप चीनी ही आप डालिए। चीनी घुलने तक दूध को पकाएंगे। इसी तरह चलाते हुए आप चीनी घुलने तक दूध को पका लीजिए। अब इसमें कुछ केसर के धागे डाल देंगे। यहाँ हमने चुटकी भर पीला फूड कलर डाला है। हम नारियल की बर्फ़ी को पीला कलर देना चाहते हैं। आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो आप बिना फूड कलर के भी नारियल की बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच दूध की मलाई ऐड करेंगे। मलाई को चलाते हुए चाशनी में मिक्स करेंगे। ये देखिए, मलाई चाशनी में बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गई है। इसी तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हम पका लेंगे। आधी चम्मच इलायची पाउडर डाला है नारियल की बर्फी में। एक बढ़िया सा इलायची का फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके नारियल का बुरादा डालना शुरू करेंगे। गैस की फ्लेम इस समय आप मीडियम रखिए और धीरे धीरे सारा नारियल का बुरादा आप इसमें मिक्स करिए और बराबर चलाते रहिए। इसी तरह से देखिए, हमारी बर्फी थोड़ी सी गाढ़ी होती चली जाएगी। अब हम अपनी बर्फ़ी को लगातार चलाते हुए इसका पानी एकदम सूख जाए और ये गाढ़ा होके बंधने लगे आपस में, तब तक चलाएंगे। ये देखिए, हमारी नारियल की बर्फ़ी आपस में बंधने लगी है। ऐसा करते करते आपको 8 से 10 मिनट लग सकता है। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। इससे हमारी बर्फ़ी में एक साइन आ जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक मिनट के लिए चलाते हुए इसे और पका लेंगे। गैस की फ्लेम हम लो ही रखेंगे। नीचे बर्फ़ी तो तैयार हो गई। अब हम जिसमें बर्फ़ी जमाएंगे
उस बर्तन को हम ग्रीस कर लेते हैं। अगर आपके पास बर्फ़ी जमाने वाली टिन हो तो आप बर्फ़ी उसमें जमा लीजिए, मेरे पास नहीं है तो इसलिए हम अपनी बर्फ़ी एक थाली में जमाएंगे। थाली को हमने ग्रीस कर लिया है, थाली के बीच में हम अपनी बर्फ़ी को रखेंगे और इसे चौकोर शेप देते हुए फैला लेंगे। ये देखिए, अब इसे ठंडा होने के लिए हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। ऊपर से थोड़ा सा हमने चांदी का वर्क लगा दिया है, ये लीजिए हमारी बर्फ़ी बिल्कुल पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके बर्फ़ी के टुकड़े करेंगे। आप बर्फ़ी के छोटे बड़े जैसे चाहें टुकड़े कर लीजिए। हमारी नारियल की बर्फ़ी बनकर तैयार है। धीरे से एक पीस आप निकालिए। है ना बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा आसान। आप इसे ज़रूर जन्माष्टमी पर एक बार बना के ट्राई करिए, और यदि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।